किड्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है सेट ऑपरेशन। जैसे कि आप जानते होंगे मैथमेटिकल में ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। इसी तरीके से सेट में भी ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं ऑपरेशन की, और फिर वन बाय वन उन ऑपरेशन के बारे में डिटेल में हम अपने वीडियोस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। देखो, यू आर फैमिलियर विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और नंबर। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे नंबर्स में हमारे पास दो नंबर को या ज़्यादा नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नंबर्स में डिवीज़न कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है हमारे पास, मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं, ये 4, ठीक है। तो इनके बारे में तो हमें पता है ऑलरेडी। तो इसी तरीके से हमारे पास सेट में भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस सर्टेन ऑपरेशन ऑन सेट। यहाँ पर हम कुछ सर्टेन, मतलब कुछ निश्चित ऑपरेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेट पर, सो एज टू यील्ड ए न्यू सेट विथ द गिवन सेट। मतलब मेरे पास कुछ गिवन सेट होंगे, उनकी हेल्प से हम एक नया सेट यहाँ पे प्राप्त करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर गेट करेंगे। आगे, दिस ऑपरेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और जो ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं, ये हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने सेट में पढ़ लिया कि सेट पे ये ऑपरेशन होते हैं तो यहीं तक फिनिश, नहीं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के काफ़ी सारी हमारे पास एप्लीकेशन होंगी और काफ़ी जगह ये हमारे पास यूज़ होने वाला, मैक्सिमम डिस्क्रीट में यही यूज़ होने वाला है, आप ये चीज़ समझो। तो हमने देख लिया कि अगर हम सेट ऑपरेशन की बात कैसे करें, जब हम अपने नंबर्स पर बात करते हैं तो वहाँ पे भी ऑपरेशन होता है, उसी तरीके से सेट पर भी ऑपरेशन होते हैं। और इस ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास गिवन सेट होते हैं उन पे ऑपरेशन लगा के हमें एक न्यू सेट मिल जाता है। और इसका सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि सेट के ऑपरेशन हैं, हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैक्सिमम टॉपिक में ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब बारी आती है कि ऑपरेशन है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन होगा वो है मेरे पास यूनियन ऑफ सेट्स। अगर मेरे पास सेट गिवन है तो मैं उनकी यूनियन कैसे करूँ, ठीक है। यूनियन माने होता है मिलाना, जैसे आपने फेमस वर्ड पढ़े होंगे, स्टूडेंट की यूनियन होगी, वर्कर्स यूनियन होगी, और क्या नाम है, किसान यूनियन होगी। तो उसमें क्या होता है, सब मिलके काम करते हैं, मतलब एक साथ, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स मतलब सेट्स एक साथ, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब इंटरसेक्शन, मतलब बोलते हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो उससे रिलेटेड हो गया। डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब एक सेट से दूसरे सेट का डिफरेंस क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है, हमारे पास एक सेट होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है, तो उन दोनों के बीच में कि मैं इस सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूं, ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, मेरे पास दो सेट होंगे उनका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास ऑपरेशन कितने होते हैं सेट पर। नंबर वन ऑपरेशन होता है मेरे पास यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट हो गया और सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। तो ये मेरे पास 5 ऑपरेशन यहाँ पे सेट पर हमारे पास होते हैं। इतना क्लियर हुआ ना किस तरीके से हमने इनको बोला यूनियन। देखो ध्यान कैसे रखना, यूनियन सेट को मिलाना। देख जैसे हम अभी नंबर्स में बात करते हैं, ऐड कर देते हैं ना, नंबर्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम एडिशन, देखो इस तरीके से दो नंबर गिवन है तो उनको ऐड किया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई की, देन डिवीजन की, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऐड करना मतलब मिलाना, एक जगह लाना, तो यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन हो गया कि दोनों में चीज़ें कॉमन देखनी है, ठीक है, कि ये है दोनों में, दोनों सेट में कॉमन क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंस, इतना क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास डिफरेंस से रिलेट करता है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ओके बेटा। तो यूनियन की हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है इस तरीके से। अगर दो सेट है मेरे पास ए एंड बी,
एक ए है दूसरा बी है, तो इनकी यूनियन में रिप्रेजेंट करती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये यूनियन का साइन होता है, दिस यूनियन, तो इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन का साइन होता है ये वाला, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे दोनों सेट को मिला दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हम कॉमन चीज़ देखते हैं और यहाँ पे डिफरेंस का आपको पता है। आप देखो यहाँ पे आपने ना अपनी लाइफ में तीन सिंबल देखे होंगे, एक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है। तो ये तो हमारे पास जो है ये डिवीजन का ही होता है, ये भी डिवीजन का होता है, बट ये मेरे पास जो होता है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अब इनमें तो मैं आई थिंक आपके सिलेबस में है नहीं, होगा तो मैं बताऊंगी डिफरेंस क्या है, तो आप इतना ध्यान रखना, ये डिवीजन के लिए यूज होता है ये भी, और ये दिस इज सब्ट्रैक्शन इस तरीके से। तो वही चीज मैंने आपको बनाया हुआ इस तरीके से, तो ए माइनस बी इसका मतलब बी माइनस ए, ठीक है। तो ये वाला साइन, तो जब भी आप इस तरीके से बनाओ इसमें लिखो तो ऐसे मत लिख देना बेटा, ऐसे या ऐसे, ये डिवीजन का साइन हो जाएगा, हमें लिखना ऐसे ही है ये वाली लाइन, ठीक है बेटा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना इसमें, ओके। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो चाहिए, हमें एक यूनिवर्सल सेट चाहिए और एक चाहिए मुझे सेट, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस से रिलेटेड होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इतना क्लियर। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल में से इस सेट को बाहर निकाल दो इस तरीके से, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको वहां से निकाल दो यूनिवर्सल से। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट हमारे पास क्या होता है, इसका ये साइन होता है, मतलब इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए बी दो सेट है मेरे पास, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस हम ऐसे करते हैं, या ये वाला साइन होता है, ठीक है। इतना क्लियर। और ये जो है हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन और सब डिफरेंस तीनों से मिलके बनता है। इतना क्लियर हो गया बेटा। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि हमारे पास सेट पे ऑपरेशन यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। यूनियन हमें पता है मिलाना है, इंटरसेक्शन कॉमन चीज़ देखनी है, डिफरेंस माइनस करना है, और कॉम्प्लीमेंट में से, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से वो सेट हटा देना है जिसका कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं, और सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास इन तीनों से मिलके बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहती थी कि हमारे पास सेट पर ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं और कितने ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। अब हम वन बाय वन इनका क्या है ऑपरेशन का मतलब पूरी डिटेल देखेंगे, इनकी हम क्या करेंगे डेफिनेशन भी देखूंगी, एग्जाम्पल भी देखूंगी और इनका वेन डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।